लगता है मेहमान आ गए। आइए आइए पंडित जी, आइए सर, प्लीज वेलकम। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार भाई। आइए आइए बैठ। हाँ बेटा आइए। मैंने बैठे बैठे सर। जजमान, ये है लड़की के पिता विष्णु शर्मा जी। भगवान की कृपा से बहुत बड़ा व्यापार है इनका। और ये है इनकी पत्नी। और श्रीमान, ये है लड़के के पिता महेश दलाल जी। और ये है इनकी पत्नी। ये है लड़का मुनीश दलाल जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, 55,000 रुपया तनख्वाह पाते हैं। और ऐब एक भी नहीं। अरे पंडित जी, ये तो सब संस्कारों पर निर्भर करता है। शर्मा जी, बेशक हमने कोई बहुत बड़ी जायदाद न खड़ी की, लेकिन हमने संस्कार और उच्च तालीम जरूर दी है अपने बच्चे को। बिल्कुल भाई साहब, आजकल बच्चों को अच्छे संस्कारों के साथ उच्च शिक्षा देना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने भी अपनी बेटी को MA तक पढ़ाया है। पढ़ाई के साथ साथ हमारी बेटी घर के काम में भी बहुत होशियार है। मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती, पूरा घर संभाल रखा है उसने। उत्तम, अति उत्तम, सर्वगुण संपन्न। तो फिर देर किस बात की बहन जी, बिटिया को लेकर आइए ना, जरा हम भी तो देखें कैसी है। मैं अभी लेकर आती हूँ। लाइए बिटिया को, लाइए। लीजिए भाई साहब। ले, पहना दे इसे। अरे तुम लोगों ने इसे अभी तक तैयार नहीं किया, बाहर लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। अरे दीदी, बहुत मुश्किल से राजी हुई है तैयार होने को। कहती है मैं कोई नुमाइश की चीज हूँ, जिस सच के उनके सामने जाऊँ। मैं जैसी उन्हें वैसी देखने दो। और क्या, नुमाइश के लिए नहीं बेटा, मगर सुंदरता को थोड़ा निखारा जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है ना? हाँ। लेकिन आपकी बेटी समझे तो ना। चल अब चलो ना, जल्दी आओ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। लीजिए ना भाई साहब। हाँ पंडित जी, वो दो पहले सबसे। लो बेटा। लीजिए सर, लीजिए बहन जी, लीजिए। भाई शर्मा जी, मेरे बेटे को और हमें आपकी बिटिया पसंद आई। अब आप बिटिया से भी पूछ लीजिए, हमारा बेटा पसंद है या नहीं उसे। हमारी बेटी को भी आपका बेटा पसंद है। तो फिर मुंह मीठा कराइए ना। पंडित जी, आपने इनकी कुंडलियां तो मिला ली ना? जी मिला ली है। लड़का और लड़की के पूरे 30 गुण मिलते हैं, ऐसी कुंडली देखने का तो सौभाग्य कभी कभी मिलता है। अरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पंडित जी लीजिए मुंह मीठा, पहले आप करिए। हाँ हाँ, पहले दलाल साहब आप दीजिए। पंडित जी, अब कोई शुभ मुहूर्त देखकर शादी की तारीख निश्चित कर दीजिए। जी कर देता हूँ। किंतु पंडित जी, मुहूर्त निकलवाने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता था कि आप लोगों की कोई डिमांड वगैरह तो नहीं है? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप। अरे भगवान के दया से आप दोनों खाते पीते संपन्न लोग हैं, और दलाल साहब भी दहेज के लोभी नहीं है। जजमान की भी समाज में अपनी प्रतिष्ठा है, और आप भी कन्या को ऐसे ही विदा थोड़े करेंगे। वो तो है ही पंडित जी, अपनी बेटी को तोहफे के तौर पर जो कुछ मुझसे बन पड़ा वो तो मैं दूंगा ही, मगर दहेज शब्द से जरा नफरत है मुझे, क्योंकि उसके साथ मांग जैसा एक अश्लील शब्द जुड़ा होता है। राम राम राम, कैसी बात कर रहे हैं आप। अरे लक्ष्मी जी की कृपा से धन्य धान की कोई कमी नहीं है दलाल जी के पास।
पर क्या पंडित जी? तनिक इधर आइए जजमान जी। पंडित जी, लड़के की एक छोटी सी इच्छा थी, शादी पर 20 लाख की एक छोटी सी गाड़ी चाहिए। नहीं, दलाल साहब के पास तो दो दो गाड़ियां हैं, परंतु अगर आप देंगे तो उनके खानदान वालों पर आपकी बिटिया का रूप रहेगा, और अगर हमारे हाथ से इतना अच्छा लड़का निकल गया तो नहीं, मैं तो ये आपकी आपकी बिटिया के भलाई के लिए कह रहा हूँ। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। रही गाड़ी की बात, तो कार हम खुद खरीद कर लोगों से ये कह देंगे कि बहू के मायके वालों ने ही ये गाड़ी खरीद कर दी है। निशा बिटिया हमारे घर की बहू बनकर आ जाए तो इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए और क्या हो सकता है। भले ही आप उसे दो जोड़ी कपड़ों में विदा कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है भाई साहब। हालांकि मुझे थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अपने होने वाले दामाद की इच्छा पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मैं कहता था ना जजमान, शर्मा जी लड़के की इच्छा सहर्ष पूरी कर देंगे। ईश्वर की कृपा से शर्मा जी के पास किस चीज की कमी है। अब इतना भी आसान नहीं है पंडित जी। गाड़ी के लिए मुझे जैसे तैसे रुपयों का इंतजाम करना पड़ेगा। ये सब तो शादी विवाह में लगा ही रहता है। आखिर कन्यादान करने का पुण्य तो आप ही लोग को कमाना है। अच्छा शर्मा जी, चलते हैं। नमस्कार। थोड़ा सा you mean, किस कलैया? मुझे सावला रंग अच्छा लगता है। हाँ हाँ मैडम, वो तो दिख ही रहा है। मुझे इनकी कार मांगने वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। पर कर भी क्या सकते हैं, देनी तो पड़ेगी। इतने अच्छे लड़के का रिश्ता हाथ से जाने भी तो नहीं दे सकते हैं। अच्छा, लंबा है या गिट्टू है? गिट्टू नहीं है, गुस्सा देखो। और पता बात है इनसे? नहीं यार। क्यों? सब थे। ओह, तो देखा। सब देखा। और फिर हमारी निशा को भी तो लड़का पसंद है। लेकिन इतनी महंगी कार? 20 लाख के आसपास। और कुछ बताओ ना। बस उसने भी थोड़ा सा देखा, मैंने भी बस। शर्मा कैसी रही है? ऊपर से जेवर, फ्रिज, टीवी, लड़की का टीका, बरातियों का रिसेप्शन वगैरह वगैरह, ये भी तो पहाड़ जैसा खर्चा है ना भाभी। चलो वो इंतजाम तो मैं जैसे तैसे कर लूंगा, लेकिन ये कार, वो भी 20 लाख की, ये इंतजाम कहाँ से करूंगा, इसकी चिंता हो रही है मुझे। फिर कैसे करोगे? सोचता हूँ किसी से कर्ज लेने की बजाय बैंक से फाइनेंस करा लेता हूँ, क्योंकि कारोबार में वैसे भी घाटा चल रहा है। पापा, आप दहेज दे रहे हैं? नहीं तो तुमको किसने कहा? क्यों पापा, कार क्या मुफ्त में आती है? ये भी तो दहेज ही है। अरे वो बात नहीं है जो तुम समझ रही हो, वो तो उनके सामने तुम्हारा इम्प्रेशन जमाने के लिए, रोब जमाने के लिए कार दे रहे हैं, और ये सलाह पंडित जी ने दी है। भला पंडित जी क्यों कार मांगने लगे? जाहिर सी बात है, उन लोगों ने ही मांगी होगी। चिड़िया की जान जाए बच्चे का खिलौना। तू अभी ना समझे, तू चुप रह। लड़की की शादी में ये सब कुछ करना ही पड़ता है। क्यों माँ, क्यों? बेटियों को लोग बोझ क्यों समझते हैं? अगर बेटियों को माँ बाप अपना सहारा समझने लगे, अपने तो हाथ समझने लगे, और दहेज की लोभियों को दरवाजे से धुतकार कर भगा दे, फिर देखना माँ, दहेज जैसी गंदी प्रथा अपने आप समाज से खत्म हो जाएगी। माँ, दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन जुर्म है, इसके लिए सजा भी हो सकती है। पापा, आप कार नहीं देंगे। ये सब बातें बोलने सुनने में अच्छी लगती है,
लेकिन जब खुद पर बीतती है ना तो सारी बातें हवा हो जाती है। प्लीज बहन, बेटा शायद हम लोग को परेशान देख के तू ऐसा बोल रही है। पापा बात वो नहीं है, आज उन लोगों ने कार मांगी है, कल को कुछ और मांग सकते हैं। ऐसा नहीं होता बेटा, मैंने तो उनसे पूछा था कि उनकी कोई डिमांड है कि नहीं, साफ मना कर रहे थे बेचारे, और फिर तू क्यों चिंता कर रही है, सब हो जाएगा इंतजाम। बात इंतजाम की भी नहीं है पापा, आज आपके पास साधन ना होते हुए भी आप कुछ भी करके उनकी इच्छा पूरी कर रहे हो। पर उनका क्या पापा, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो क्या करेंगे पापा, वो कहां से लाएंगे अपनी बेटियों के लिए दहेज। अपना गम संभलता नहीं, जमाने की चिंता सताने लगी, तो चुप कर और जा यहां से। प्लीज बुआ, मेरी बातें तो सबको बुरी लगती है। शर्मा जी आइए आइए। पंडित जी शादी की तिथि निकल गई, अगले महीने की 20 तारीख। मैंने पूरा पंचांग छान डाला लेकिन पूरे 2 साल तक इससे बढ़िया मुहूर्त है ही नहीं। ये तो खुशी की बात है पंडित जी, लेकिन इतनी जल्दी? जजमान ये सब तो मुहूर्त के अनुसार है। दलाल साहब को खबर कर दी आपने? हाँ, उन्हीं से तो मिलकर आ रहा हूँ। जजमान थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ क्यों नहीं पंडित। राम बाबू जी, पंडित जी के लिए जलपान की व्यवस्था करो। अभी लाया है जी। ये आपके लिए। ये क्या है जी? कुछ विशेष नहीं, जो सामान आप दे रहे हैं जैसे कंप्यूटर, फ्रिज, एसी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, हाँ उन कंपनियों का नाम है, अर्थात कौन सा सामान किस कंपनी का होना है। अरे ये क्या बात हुई पंडित जी, जब सामान हम अपनी खुशी से दे रहे हैं तो कंपनियों की चॉइस भी तो हमारी होनी चाहिए। ये बात तो मैंने कही थी कि नाम में क्या रखा है। ये पंडित जी इतना सब कुछ देना पड़ेगा क्या? हाँ ये सब तो शगुन पे ही दिया जाता है जयमान, आप तो सब जानते हैं। जब चीजू देखेंगे ना इसे वो तो इस पर फिदाई हो जाएंगे। अच्छा गजरे मंगवाए क्या? अरे राम बाबू से बोला था, चलो मैं भी बोल के आती हूं। आज मेरे यार पिता से है तुम तो बुला चला बाजी बाजी और वो आतिशबाजी तो कमाल की है, मजा आ गया। ये कोई बारात है? अरे बारात तो मेरी आई थी, हाथी, घोड़े, बैंड, बाजे, मेरे बाबूजी ने 20 चेनाई वाले बिठाए थे दरवाजे पर, और आतिशबाजी, ओए ओए, पूछना भैया से, आतिशबाजी देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे, और तू तो इनके 2-4 फुसफुसे पटाखों में खुश हो गई। अरे मैं तो भूल गई, मुझे दीदी से एक जरूरी बात पूछनी है। आप निशा के पास बैठो, मैं भी आती हूँ। मैं भी चलती हूँ ना तेरे साथ, चल 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 हम अभी आते हैं। चल।
बहुत खूबसूरत हो। फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ी ओस की बूंदों की तरह, मासूम बच्चे की निश्चल हंसी की तरह, सच तुम बहुत खूबसूरत हो। जी चाहता है इन्हीं नजरों के साये में जिंदगी के बाकी लम्हे गुजार दूं। निशा, आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। निशा, सपने देख रही थी बेटा? अरे पल्ला तो कर ले बेटा, मैं मेहमानों को देखती हूँ, तू इतने सपने देख। जयमाला का समय हो रहा है, पहले आप लोग जयमाला करा लीजिए। चलो बेटा, पंडित जी बुला रहे हैं। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, वर वधु को यहाँ लाइए। वर कहाँ, वर को बुलाइए। दलाल साहब आइए ना। मनीष बेटा आओ, वेदी बैठ जाओ, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। जी अभी एक रस्म बाकी है। रस्म बाकी है? कौन सी रस्म? टीका की। टीका तो फेरों के बाद होता है। लेकिन आपने हमसे वायदा किया था कि अब फेरों से पहले हमें 35 लाख रुपए दोगे। 35 लाख रुपए? मैंने कब किया वादा? तो अब कर लीजिए, मुझे फेरों से पहले 35 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। शादी नहीं हो सकती? ये कैसी बात कर रहे हो तुम बेटे? अगर 35 लाख की मांग थी तो पहले बोला होता। उस समय तो कह रहे थे कि बेटी को 2 कपड़ों में विदा कर देना। दलाल साहब समझाइए इसको। अरे बात यूं है शर्मा जी कि मुनीश ने अपने लिए घर देखा और बहुत बड़ा घर देख लिया और उसमें 35 लाख रुपए की कमी रह गई, और वो भी अपने लिए थोड़ी कर रहा है, आपकी लड़की के लिए ही तो करेगा है? तो कर दीजिए आप। अरे लेकिन दलाल साहब, 35 लाख कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। अब नहीं कर सकते ना, तो कोई तारीख दे दीजिए। नहीं पापा, 35 लाख रुपए मुझे अभी चाहिए। दलाल साहब मेरी हैसियत नहीं है इतना रुपया देने की। बेटा तुमने जो चीजें मांगी थी वो तो तुम्हारे घर पहुंचा दी थी ना हमने। मेरे होने वाले ससुर जी, कार, टीवी, फ्रीज तो हर माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, मुझे 35 लाख रुपए चाहिए। नहीं तो मैंने कह दिया है कि शादी नहीं हो सकती,
तो नहीं हो सकती। पापा, आपने इतना कुछ इनको दे दिया और मुझे कानो कान खबर तक नहीं होने दी। दहेज कहाँ दिया बेटा, वो तो तुम्हारे और मनीष के लिए हमने उपहार दिए थे जो मैंने अपनी मर्जी से दिए हैं। मुहूर्त का समय निकल जाएगा बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, सबके सामने मेरी बेइज्जती मत करो, बैठो। देखिए, समय निकल रहा है। मैंने कहा कि मुझे 35 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए, अगर आपकी औकात नहीं है 35 लाख रुपए देने की तो हम ये शादी नहीं करेंगे, आप हमें पहले बता देते। अरे अगर आपकी औकात नहीं थी तो अपने बराबर वालों में शादी करनी चाहिए थी। चलिए पापा, हम ये शादी नहीं करेंगे, भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए पापा। भिखारी किसको बोलता है तू? भिखारी होंगे तुम और तुम्हारा खानदान। तुम ही लोग आए थे ना रिश्ते की भीख मांगने, फिर मांगा दहेज में टीवी कार वीसीआर। अब दहेज की लालच इतनी बढ़ गई है कि मुहूर्त से पहले पापा से दहेज में 35 लाख रुपए मांगते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अब आप क्या सुनने के लिए यहाँ खड़े हैं? आप चलिए। ए लड़की, बस शर्मा जी, बहुत अपमान कर लिया, अब ये शादी हरगिज नहीं होगी। चलो बेटा। जाने से पहले एक बात सुन लो, मेरे पापा ने जो भी चीज तुम्हें दी है अभी क्या अभी वापस कर देना, वरना देख लूंगी। वरना देख लोगी? जो करना है तुम कर लेना, देख लेंगे हम तुम्हें। चले पापा। देख लेना मैं क्या कर लूंगी। अरे रख लीजिए अपनी लड़की को। बारात तो मेरी लौटी है ना, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो? जब मैं नहीं रो रही तो तुम क्यों रो रही हो? मंडप से तेरी बारात जा रही है और तू कह रही है क्यों रो रही है? पापा फोन कहाँ? क्या फोन करेगी? हेलो पुलिस। पापा मैंने कहा था ना, लालची लोगों का लालच कभी खत्म नहीं होता। इन लोगों ने शादी को व्यापार बना दिया है, एक हाथ पैसे दो और दूसरे हाथ दूल्हा लो। क्या बात क्या हुई है, पहले बात बताओ। अरे बात तो बताओ तुम बच्चा का। अरे तुम उस लड़के को कहाँ लेके जा रहे हो? अरे तुम देखो क्या धक्के मार रहे हो तुम। अरे क्या कर रहे हो तुम? हाँ पुलिस को फोन यहाँ किसने किया था? मैं ही हूँ निशा शर्मा, मैंने ही आपको फोन किया था। यही हो इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मेरे पापा से दहेज में 35 लाख रुपए मांगे थे और जब हमने इनकार कर दिया तो बारात वापस लेके जाने की धमकी देने लगा, और जब मैंने खुद इस लालची से शादी करने से इनकार कर दिया और दहेज में दी गई चीजें वापस मांगी तो इसने चीजें वापस करने से मना कर दिया। तो बनाना दहेज का केस इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इन लोगों को। ले चलो इन सबको। चलो क्या बात कर रहे हो? शाबाश मैडम, I really appreciate your courage.